अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दूध वाली सेवइयाँ। यार ये हैं तो दूध वाली सेवइयाँ, मगर इसमें मैंने इतना कुछ डाला, इतना कुछ डाला, इतना कुछ डाला, मैं खुद से इतने ज़्यादा जुगाड़ कर रही थी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ना बहुत कुछ डाला, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने किया क्या। यार दूध को लिया, ठीक है, इसके अंदर चीनी डाली, उसको मिक्स किया, ठीक है। आजकल दूध इतना पतला है, इतना पतला है, पतला है, पतला है, क्या कर सकते हैं। खैर सेवइयाँ भी तो बनानियाँ ने। तो फिर ये ना मैं पा दिता, ये मैंने कस्टर्ड का जो है वो बना के रखा हुआ मिक्सचर, ठीक है। कस्टर्ड डाला, मतलब थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही लाते हैं, मगर मैं अन्ने वाह कस्टर्ड पाया, ठीक है। तो उन्होंने फिर हिलाई जानी है, हिलाई जानी है, तो यार सेक पै रहा, ठीक है। मैं क्या क्या कितने है ना ढेलियाँ बन जाते। उस तो बाद फिर ना ये मैंने डाली सवैया इसके अंदर, ठीक है। तो अद्धियाँ तो पै गई थी, अद्धियाँ एडियाँ टीटना नाल ही चमड़ गई सन। फिर उसको मैंने सब को अच्छे तरीके से हाथ ना ज़रा मिक्स करके तो कढ़िया बाहर, मैं कहा बाहर मरो। तो फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से मैं इसको हिलाती रही, हिलाती रही कि कहीं यार वो गुटलियाँ टाइप ना बन जाए। उसके बाद मैंने केसर वाली जो सवैयाँ है ना उसको लिया और उसको मैंने जो है ना वो डालने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। यार ए तेनियाँ टीठन निकलन नहीं सी डियाँ। तो मैं क्या यार हाथ ना लानी पानी तो फिर हाथ नाल भी नहीं निकलन दियाँ सन। और फिर मैंने इसको ऐसे ही अंदर डाल दिया, ठीक है। और अंदर से मेरा दिल भी धक धक कर रहा था कि यार इसने ना ढेले बन जाने, इसने टूटना नहीं अंदर। और वही काम हुआ, ठीक है। कुछ टूट गई थी और कुछ ऐसी कोई डीट थी ना, कुछ डीट लौंग की तरह कि जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं इनको तोड़ने की भरपूर कोशिश की, ठीक है। फिर मैंने पवे च पा गया, उत्ते छुरियाँ मारियाँ, तो मैं क्या टूट जो तो मर जो। तो उसके बाद ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है सवैयाँ। और ये सवैयाँ जो है ऐसे ऐनी खूबसूरत नहीं लग रही हैं। एच मैं जी खीर बनाई सी ना, मैं वो भी पाई है, ठीक है। लजीजा खीर मैं बनाई सी तो मैं वो पाई है बिच, ठीक है। वो पता नहीं वो वाला क्लिप मिस हो गया शायद। तो उसके बाद फिर ये आप देखें गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो क्या उस कहते हैं क्या कहते हैं बादाम, बादाम डाला। यार वो मेरे जेब में ना आमंड आ रहा था, आमंड तो बादाम डाला। उसके बाद मैंने इलायची डाली और उसके बाद जो है वो मैंने कोकोनट, और फिर मैंने इसको बॉक्स के अंदर डाला। था यार क्या मज़ेदार खुशबू आ रही थी, लजीजा खीर मिक्स की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी इसमें से। और फिर ना मैंने इसके ऊपर जो है ना मैंने कहा गार्निशिंग करनी है। यार मैं ये देखें आप देख सकते हैं कि ना इसके अंदर मैंने इलायची डाली थी, वो था प्याज कितों आ गया वो ना एक्चुअली मैं आ रही हूँ ना, तो वो बस प्याज ही जेन में घूमता है। तो ये देखे मैं क्या यार है कि शशके होने ना एक एक करके बादाम पैन दिया अन्ने वाह सुटो। तो फिर मैंने ना इसके अंदर जो है वो ज़्यादा सारे बादाम एक साइड पर डाल दी। तो यार ये थी मेरी फाइनल लुक, मेरी नहीं मेरी दूध वाली सवैयों की, ठीक है। तो इतनी लजीज और मज़े की लग रही थी। ओके।